नमस्कार। चैप्टर टू मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम, इसमें पढ़ रहे थे हम पाचन तंत्र। दो एक क्लास और इसकी होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारी चीजें एक साथ ले रहे हैं हम, संरचना और कौन से अंग में क्या पाचन होता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आमाशय। आमाशय जे के आकार की एक पेशीय संरचना होती है, डायफ्राम के नीचे होता है आमाशय, यहां डायफ्राम होता है और उसके नीचे यहां आमाशय होता है। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक रहता है और वहां पर तीन प्रकार के स्राव होते हैं। हमने पढ़ा था ना, तीन प्रकार के स्राव, श्लेष्मा होता है, HCL होता है और पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम है, पेप्सिनोजन वो होता है। अब जो ऑब्जेक्ट एक कोशिकाएं होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल, ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छी तरह से, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्या करती हैं, HCL अम्ल का स्राव करती हैं आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कौन करती हैं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जो भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है, जिससे पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। अब जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या काम करेगा, पाचन का, प्रोटीन का पाचन करेगा और पॉलीपेप्टाइड मोड्स को ब्रेक कर देगा। फिर एक हमने एक एंजाइम और पढ़ा था कि शिशुओं में रेनिन नामक एंजाइम भी आमाशय में पाया जाता है, जो दूध की प्रोटीन को, कैसीन को, कैसिनोजन में परिवर्तित करता है। इसका मतलब उसको डाइजेस्ट करता है। क्लियर। ये तो साथ डाइजेशन की बात हुई और आमाशय के संरचना की बात हुई। आमाशय के जो भाग थे हमने तीन भाग कौन कौन से, हाँ, पाइलोरिक, ठीक है, हाँ, तीनों भागों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आमाशय में तीन भाग, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। क्लियर। अब इन तीनों भागों के बीच में एक मध्य का भाग और होता है, थोड़ा सा उसका पार्ट रह जाता है, उसको मध्य का भाग भी कहते हैं ना। अगर आप थोड़ी सी हायर बुक देखेंगे तो वहां उसमें मध्य का भाग उसको लिखा हुआ रहता है कि ये मध्य का भाग है ना, तो ये कार्डियक में, ना फंडिक में, ना पाइलोरिक में। क्लियर। अब बात आती है आमाशय के बाद। अब आमाशय के बाद जब क्या होगा, आमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो भोजन होता है ना, भोजन, उस भोजन को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अगर भोजन मुख गुहा में है, कहां पर, अब मैं ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आमाशय में इसका नाम हमारे सिलेबस में आ गया है। अगर भोजन मुख गुहा में है तो इसे बोला जाता है बोलस, निवाला जिसको हम बोलते हैं, मुख गुहा में है और उसको चबा लिया गया, लसलसा हो चुका है वो। कैसा है ये, अब लसलसा। मुख गुहा से भोजन जाएगा आमाशय में, आमाशय में बोलते हैं इसको काइम। ठीक है, ये तो आप पहले एक तो लिखें कि बोलस मुख गुहा में, आमाशय में जब जाएगा तो उसको बोलेंगे काइम। अब ये एसिडिक हो चुका है, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो चुका है। यहां पर भोजन किससे माध्यम परिवर्तित हो चुका है, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो चुका है। अम्लीय माध्यम में परिवर्तित होने के कई फायदे हैं। एक तो पहला फायदा तो क्या है कि एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु है वो नष्ट हो जाएंगे, तो वहां इसके अम्लीय होने के कई फायदे हैं। क्लियर। अब आगे जाएगा तो उसको बोलेंगे चाइल, आगे आएगा छोटी आंत में, तो वहां इसका नाम अलग होगा। तो आज हमारा अंग है, अब हम क्या करेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत की संरचना एक साथ पढ़ लेंगे क्योंकि बड़ी आंत में तो कोई डाइजेशन होता ही नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत की संरचना एक साथ पढ़ के और फिर छोटी पूरा डाइजेशन एक साथ
पढ़ लेंगे, क्योंकि अब डाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है, छोटी आंत में पूरा हो जाता है, बड़ी आंत में तो कुछ अवशोषण बचता है जल का और मिनरल्स का, वो होता है, और कुछ बैक्टीरिया आ जाए वहां जो थोड़े बहुत छोटी छोटी मोटी मदद करते हैं। ठीक है, तो देखिए छोटी आंत क्या है, आमाशय के नीचे से, आमाशय के नीचे से निकलती है। संरचना आपको मैं पहले एक बार दिखा देता हूं यहां पर, जिससे कि ये चीज हमारी क्लियर हो जाएगी। देखिए स्क्रीन पे आपकी पास आ गई है संरचना, ये देखिए ये डायग्राम है। अब इसमें छोटी आंत कहां है वो मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ये आमाशय आ गया। आमाशय के जस्ट बाद, आमाशय के तुरंत बाद यहां से ये छोटी आंत शुरू हो जाती है। इसके तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्रछुद्रांत और छुद्रांत। तो ये तो यहां से छोटी आंत स्टार्ट हो चुकी है, यहां बिल्कुल यहीं से, बिल्कुल ये छोटी आंत स्टार्ट हो गई, इधर गई और ये इसके पीछे से निकल के आ रही है। ये देखो ये इसके पीछे से निकल के आ रही है, यूं ये पूरी घूम रही है, ठीक है, और यहां बड़ी आंत में आकर के मिल जाती है। तो ये तो है पहला भाग, तो है इसका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम ग्रहणी, फिर है जेजुनम अग्रशुद्रांत, और यहां पर ये देखिए ये शुद्रांत, ये यहां से भाग, यहां से इसका भाग हो जाता है इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ग्रहणी, अग्रशुद्रांत और शुद्रांत। तो इस तरह से आमाशय छोटी आंत के कुल तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्रशुद्रांत और छुद्रांत। ये पूरी आपको छोटी आंत यहां पर अच्छे समझ में आ गई है, क्लियर। अब इधर देखिए, यह पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि भोजन का सर्वाधिक पाचन इसी अंग में होता है। इसी अंग में होता है, पाचन का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि भोजन का सर्वाधिक पाचन इसी अंग में होता है। कहां पर? छोटी आंत में। इसकी औसत लंबाई 7 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 7 मीटर तक। और इसके तीन भाग होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्रछुद्रांत और छुद्रांत। नंबर एक है ग्रहणी, देखें आप, नंबर वन ग्रहणी, ड्यूओडीनम, ये आमाशय के बाद तुरंत बाद वाला भाग होता है, सबसे छोटा होता है और सभी सबसे ज्यादा पाचन इसी भाग में होता है। विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, रसायन और विभिन्न प्रकार के पाचक रसों के द्वारा सबसे ज्यादा पाचन ग्रहणी में ही किया जाता है। आमाशय से जुड़ा हुआ पहला भाग
पहला भाग है इबम, सबसे छोटा भाग होता है। इस भाग में सर्वाधिक पाचन क्रियाएं होती हैं। क्योंकि पाचक रस, जो भी पित्त रस वगैरह सब आते हैं, वो इसी भाग में आकर के डाले जाते हैं। नंबर दो है अग्र छुद्रांत। जेजुनम ड्यूडेनम जेजुनम, यह मध्य का भाग है, इसके दोनों के बीच तीन है ना, तो बीच वाला है मजला, यह है मध्य का भाग है। इसमें पचित भोजन का आंत्र कोशिकाओं द्वारा बिलाई होती है। यहां पर उंगलियों जैसी संरचनाएं आंत्र कोशिकाओं द्वारा अवशोषण किया जाता है। अवशोषण किया जाता है। नंबर तीन है क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत क्षुद्रांत जेजुनम इलियम आई जे डी जे आई है ना। नंबर तीन है क्षुद्रांत, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यह उन पदार्थों का अवशोषण करता है जिनका अग्र छुद्रांत में नहीं होता। ठीक है,
जैसे कुछ पोषक तत्व, पित्तलवण, विटामिन, जैसे पोषक तत्व, पित्तलवण, कॉमा विटामिन आदि, जिनका अवशोषण अग्र क्षुद्रांत में नहीं हो पाता उनका ये कर लेता है क्षुद्रांत वाला भाग। इस तरह से ये हमारी छोटी आंत की संरचना यहां पूरी हो जाती है। कुल तीन ही भाग हैं, तीनों भागों में क्या क्या काम होता है वो हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे बड़ी आंत की संरचना छोटे से अंतराल के बाद। आगे बढ़ते हम बड़ी आंत छोटी आंत, मैंने कहा उसका पाचन हम एक थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि दोनों में लिंक बना देंगे वहां पर। लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत के बाद शुरू होती है, ठीक है। इनको छोटी बड़ी की इसलिए कहते हैं, हां देखो छोटी आंत लंबी होती है और बड़ी आंत थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। बड़ी आंत का जो साइज है वो थोड़ा कम होता है, 1 से 3 मीटर तक ही कम होती है, लेकिन छोटी आंत तुलना में छोटी होती है साइज में, लेकिन इसका जो आकार है ना वो मोटा होता है, ठीक है। छोटी आंत कैसी होती है, थोड़ी सकड़ी होती है और बड़ी आंत चौड़ी होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। अब हम बात करें बड़ी आंत की, तो यह है
छोटी आंत जहां खत्म हो जाएगी वहां से बड़ी आंत प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो छोटी आंत्र की क्षुद्रांत्र के बाद आप छोटी आंत की क्षुद्रांत के बाद बड़ी आंत प्रारंभ होती है। बड़ी आंत प्रारंभ होती है, छोटी आंत के बाद कौन सी आंत आ जाएगी? बड़ी आंत। यहां थोड़ी बहुत मदद की जाती है, वो मैं लिख देता हूं। इसमें शेष अपचित भोजन को जीवाणुओं द्वारा किण्वन क्रिया करवा के पाचन में मदद की जाती है। कोई पाचन नहीं कहा जा सकता कि यहां पर विशेषतः कोई पाचन होता है, मदद की जाती है। कुछ अपचित भोजन बच गया, उसका किण्वन की क्रिया के द्वारा डाइजेशन कर दिया जाएगा। जीवाणुओं द्वारा किण्वन क्रिया से करवाने का क्या है? किण्वन क्रिया से पाचन में मदद की जाती है। इसके भी तीन भाग होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। इसके तीन भाग होते हैं। नंबर एक सबसे पहले आएगा सीकम, अंधनाल, हिंदी में अंधनाल लिखें आप। सबसे पहले अंधनाल, सीकम छोटी आंत की जस्ट बाद वाला है ना, सबसे पहले है अंधनाल। इसमें पचित भोजन में रहे शेष पदार्थ, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है, रहे शेष पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। जो कुछ बच गए थोड़े बहुत, जैसे बताया था मैंने एग्जाम्पल में, मुख्यतः जल और लवणों का अवशोषण होता है यहां पर, ठीक है ना, मुख्यतः जल और लवणों का। चाहो तो आप लिख सकते हैं मुख्यतः जल एंड खनिज लवण, मुख्यतः इन्हीं का अवशोषण होता है। लेकिन अवशोषण तो होता है, इसलिए हमने लिखा है कि शेष पदार्थों का अवशोषण, इसलिए लिखा है अवशोषण कि शेष पदार्थों का यह अवशोषण कर लिया जाता है। एवं भोजन को बृहदान्त्र में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद वाला भाग कौन होता है? बृहदान्त्र, कॉलन। बृहदान्त्र में पहुंचा दिया जाता है, सीकम, सीकम के बाद आएगा कॉलन, बृहदान्त्र।
अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो क्षुद्रांत है ना, क्षुद्रांत और इस अंधनाल के जॉइंट पर, जहां पर क्षुद्रांत और अंधनाल सीकम जहां पर मिलते हैं ना, उसके मिलने के स्थान के थोड़ा सा नीचे, देखो आप चित्र में देखिए, चित्र में आपको ठीक से समझ में आएगा, चित्र आ गया आपके सामने, चित्र आपके सामने ये आ गया है, इसमें आप देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहां पर देखिए आपकी ये है क्षुद्रांत, ये रही क्षुद्रांत दिख रही है ना आपको भाई, ये जो लास्ट वाला जो भाग इसका है, यहां पर ये होगी हमारी क्षुद्रांत भाई, ग्रहणी सबसे पहले, ग्रहणी, ग्रहणी के बाद अगर क्षुद्रांत बीच में, और फिर उसके बाद क्षुद्रांत, क्षुद्रांत के बाद आई हमारी अंधनाल, ये अंधनाल है यहां पर, ठीक है, अंधनाल है ना ये, यहां से यहां तक, ठीक है। अब बृहदान्त्र यहां से शुरू होगी, उल्टा यू की तरह, ये बृहदान्त्र है कॉलन, तो इस अंधनाल और क्षुद्रांत का जॉइंट और उससे थोड़ा सा नीचे, जॉइंट और थोड़ा सा नीचे, यहां पर एक ऐसी एक संरचना, उंगली नुमा संरचना एक निकली रहती है 4-5 इंच की, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या अपेंडिक्स या परिशेषिका, ये परिशेषिका कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम पहले पढ़ लेते, लिख लेते हैं, देखिए अंधनाल अंधनाल एवं क्षुद्रांध्र के मिलान से थोड़ा नीचे एक अंगुली नुमा संरचना 4-5 सेंटीमीटर की निकली रहती है, जिसे परिशेषिका कहते हैं, अपेंडिक्स, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जिसे परिशेषिका कहते हैं। ये परिशेषिका है, अवशेष अंग है, मनुष्य में इसका कोई भी काम नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ये चौपाए जो जानवर होते हैं या जो सेल्यूलोज खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह खाते हैं, उनमें ये उपयोगी होती है, मनुष्य में ये उपयोगी नहीं है। ठीक है, ये अवशेषी अंग है मनुष्य के अंदर। कई बार क्या होता है कि किण्वन की, इसमें जीवाणु होते हैं, तो किण्वन की क्रिया, इसमें भोजन चला जाता है, ठीक है ना, कैसे भी कोई भी किसी भी कारणवश चोट लगने से या किसी भी कारणवश इसमें भोजन चला जाता है, जिससे उसका किण्वन होता है, भोजन के किण्वन से यहां पर क्या होता है, जीवाणु ज्यादा विकसित होते हैं और इसका आकार फूल जाता है, फिर क्या होता है, पेट में दर्द होता है, तो कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन, तो उसको काट के हटा दिया जाता है, क्लियर। इसके बाद है बृहदान्त्र, नंबर 2, बृहदान्त्र कॉलन, सीकम कॉलन, यह है उल्टे यू के आकार की संरचना है, के आकार की होती है, उल्टे यू की, अभी देखा ना हमने, उल्टे यू की आकार की संरचना, अंधनाल के बाद सीकम के बाद कॉलन,
अब इसके चार भाग होते हैं, ठीक है। यह है उल्टे यू के आकार की संरचना होती है, इसके मुख्यतः कितने भाग हैं? चार, आरोही, आरोही वृद्धांत, देखो इस तरह से ऊपर जाएगी, मैं नाम बता रहा हूं आपको, आरोही, ज्यादा बड़ा नहीं, फिर क्या होगा कि यह अंदनाल भी इसमें काउंट हो जाती है ज्यादा बड़ा करते हैं तो। आरोही सबसे पहले आरोही होती है, फिर अनुप्रस्थ, आरोही, ये तो है आरोही, फिर अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ, फिर अवरोही, ये वाली है अवरोही, और यहां पर इस तरह से होती है, ये होती है सिग्माकार। इस तरह से कुल चार भाग हो गए इसके, ए बी सी और डी, तो चारों को आप इसी तरह से लंग कर लें बस, आरोही वृद्धांत, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार, ठीक है। इनके अलग से कोई ज्यादा विशेष डिटेल रोल हमें नहीं पढ़ने, सिर्फ इनका आकार अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होती है इनकी लंबाई, इसलिए इनको अलग अलग यहां पर दर्शाया गया है, क्लियर। अब इसके बाद बचता है मलाशय, यह अंतिम भाग होता है नंबर तीन, मलाशय यह होता है अंतिम भाग, और जो मल द्वार से जुड़ा होता है, अंतिम भाग है मल द्वार से जुड़ा होता है, यह है मलाशय। लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा यह भाग होता है। तो इस तरह से यहां पर हमारे पाचन तंत्र की पूरी संरचना यहां कंप्लीट हो जाती है। अब पाचन, छोटी आंत का पाचन बच रहा है, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।